अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। सो आज हम लोग है ना पानी पूरी खाने जा रहे हैं, तो उसकी रेसिपी आज अपलोड करेंगे। तो मैं क्या सोच रही थी, हाँ तो मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ थ्रू शायद आप कैसे बनती है। जी, मेरी बहन है, रोशन नाम है इसका, और मैं शाहिदा हूँ। सो वी आर मेकिंग पानी पूरी टुडे और वो स्नैक्स नहीं, वो डिनर ही है आज का। डिनर है वो आज का। हाँ जी ठीक है, हम लोग संडे का डिनर पानी पूरी करने खाने वाले हैं। सुबह में भी इसको इतना मतलब इतना 2 इंच पानी लेके ऐसे, ये मटर है ठीक है, आलू, हाँ पानी थोड़ा ज्यादा ही रखना ताकि मतलब अगर वो बच भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आलू को एकदम बारीक बारीक काट दो, एंड देन वो आलू पूरा जो है मटर के साथ, आलू काट के हम लोग अभी कुकर में डाल देंगे मटर के साथ उसको बॉईल करेंगे उसका, ठीक है। सो हाँ, ये आलू डालने का रीजन क्या है पप्पू? ठीक है, वी ऑल थ्री आर देयर हु आर गोइंग टू मेक दिस पानी पूरी। आई एम रिकॉर्डिंग, रोशन इज जस्ट फॉलोइंग डायरेक्शंस, एंड माय एल्डर सिस्टर फरीदा, शी इज गिविंग डायरेक्शन टू हर। तो शी इज द एक्चुअली कुक, शी इज यू नो शी मेक्स ऑसम फूड, ओके, शी कुक्स वेरी डिलीशियस फूड। सो ये कितना सॉल्ट, कितना पापा, 1 चम्मच ना, सो 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट एंड थोड़ा सा पिंच ऑफ टर्मरिक, सो द कलर वुड कम रियली रियली गुड। सो आई टोल्ड यू दैट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कुक, सॉरी। तो 1 टेबल स्पून ऑफ हल्दी, हम लोग इसको बंद करके चला देंगे कुकर। अच्छा, आपने तो अभी तक गैस ही नहीं चालू किया। 1 मिनट ढक्कन लगा के गैस चालू कर दे ताकि वो, तो अभी ये चलो फ्लेम ऑन कर दो गैस का। ओके, तो गाइस ये कितना सीटी लगेगा रोशन, कितनी विसल पे कंप्लीट हो जाएगी? 3 विसल पे कंप्लीट हो जाएगा। ये हम स्टार्ट किया है मैगी का पिचको, ये तो ये मीठी चटनी का इंग्रेडिएंट्स है, हम लोग ये मीठी चटनी के लिए पिका और इधर पक रहा है वो, आगे दिखा दो, ये इधर शक्कर पकड़ रहा है और ये पक रहा है, क्या पक रहा है? ये मीठी चटनी, मीठी चटनी है उसमें, हाँ तो दिस इज मीठी चटनी। शुगर डाल उसमें, कितना चम्मच शक्कर डाले? 5 टेबल स्पून शक्कर डाले हैं, बघार लगा है, जीरे का बघार लगाया है, तड़का भी लगा है। जी हाँ, जीरे का तड़का लगा है। रोशन तुम पापा, हाँ पापा, यू आर बेस्ट। कैसे शुरू किया अपन? ये शीरा मीठा पानी जिसमे थोड़ा सा जीरे का तड़का लगा हुआ है, हम लोग 5 चम्मच शक्कर डाल के इसको पकाएंगे चाशनी के जैसा, और इसे थोड़ा सा और पकने देंगे, और इसी में इमली का जो प्योरी डाल देंगे, पिचकू को दिखाए थोड़ा, ये डाल देंगे थोड़ा लहसुन मिर्ची इतना धनिया और इतने पुदीना। तो ये है हमारी हरी चटनी के इंग्रेडिएंट्स। ये चटनी है पीस के अभी अभी निकाले हैं, और ये बर्फ में डालेंगे, डालो बस, डालो ना अभी। यम, वाओ, एकदम चिल्ड पानी रहेगा हरा पानी का, ये पानी पूरी का मसाला, मसाला किसमें, इसी इसी पानी में डालेंगे, पानी में रगड़े में। ओके, बंद कर दो ना। कितना होगा ये पैकेट वैसे? 1 लीटर पानी के लिए 15 रुपए का है ना, 1 लीटर पानी के लिए इतनी मटेरियल में डाला गया है। ओके हाँ, तो ये अभी हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था हमारा जो रगड़ा है, दैट इज द मोस्ट स्पेशल थिंग दैट वी आर मेकिंग हियर। रगड़े में स्पेशल क्या है, हम लोग मतलब ऐसा क्या बना रहे हैं, तो मुंबई में ना जो पानी पूरी बनती है बहुत अलग तरीके से बनती है, और अपनी अपनी सिटीज में अपने अपने हिसाब से बनती है, और हमारे घर में भी बहुत यूनिक बनती है। okay. तो हम लोग जैसे बना रहे हैं ना, इधर एक रगड़ा है ठीक है, इसको ऐसे भी खा सकते हैं, मतलब यूजुअली आप देखोगे तो आपको मुंबई में ऐसा ही एकदम नॉर्मल रगड़ा मिलेगा, इसको थोड़ा स्टर करना। हाँ, स्पून है, संडे है, इट हैज टू बी स्पेशल राइट। अच्छा, ये इतना गला है, कितना विसल, कितना सीटी लगा ये लगी है? अप्रोक्सीमेटली 4 सीटी, हाफ एन आवर पक्का है, 4 सीटी मतलब हाफ। आज मैंने तेल डाला है ठीक है, थोड़ा सा हम लोग डालेंगे जीरा और फेनुग्रीक सीड्स। ऑलराइट, जैसे जीरा, ओ, ये हो जाए। तो ये जो है, कर लो पापा उसको, ये कर ना, ये ना जब रगड़ा आपका मतलब पक जाएगा ना, तो उसको उतारने के बाद में आप उसको ना ये मिक्स कर दो,
क्यों उसका रीजन इज अ रीजन बिहाइंड, ठीक है, वो क्यों मैंने तो किया नहीं था मुझे पता है मैं, बट शी डिड इट एंड इट्स गुड, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस आती है ना इसके अंदर, देखो रगड़े में जो थिकनेस बहुत मस्त थिकनेस रहती है रगड़े की, वरना ना वो पूरा खड़ा खड़ा आलू खड़ा खड़ा ये मटर कांदा जो है वो ब्राउन हो चुका है एंड वी पुट ग्रीन चिली ऑल्सो इन इट, ठीक है. हाँ, एंड हाउ मेनी अनियंस वर देयर? थ्री बिग, नो सॉरी, थ्री मीडियम साइज अनियन वर देयर. अच्छा, तीन मीडियम साइज के कांदे थे, तीन बड़े प्याज थे और तीन मिर्ची थी, बिकॉज हम लोग ज्यादा स्पाइसी खाते हैं. स्मॉल साइज टमेटोज, दो छोटे छोटे टमाटर, टमेटोज जो टमाटर है वो थोड़ा सा हल्का सा जैसे सॉफ्ट होगा ना, देखो अभी देख रहे हैं ना आपको, हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, ये रगड़ा डाल दें, ठीक है. चाहे तो अगर आपको इसके थिकनेस मतलब कम रखें तो आप इसको मतलब और पानी डाल दें, ठीक है, और इसको फिर ऐसे मिक्स करें. और इसमें फिर आपको जो भी मसाले, अभी जैसे लोगों ने तो मैं तो अगर अपने घर पे बनाती हूँ ना तो मैं इसमें मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, बिकॉज मेरी फैमिली कैसा थोड़ा स्पाइसी खाती है, दे आर महाराष्ट्रियन सो दे ईट स्पाइसी अ लॉट, ठीक है. बट यहाँ पे कैसा, अभी मेरी बहन लोग नहीं खाते हैं इतना तीखा, सो आई एम कीपिंग इट एज बेसिक, ठीक है, मतलब हल्का सा नमक, दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस बिकॉज ऑफ दैट दे आर ईटिंग लेस ऑयल, लेस यू नो सॉल्ट एंड ऑल ऑफ दैट. बस अच्छा दिख रहा है. सी ये हमारा, तो ये है रेडी पानी पूरी, रेडी पानी पूरी जो आज रोशन ने और फरीदा ने मिल के बनाया है. तो ये दिस इज माय रेसिपी ऑफ रगड़ा एंड ऑल ऑफ अदर थिंग्स मेड बाय फरीदा पा. तो वी आर सर्विंग टू आवर भाई. ऑल राइट, माय भाई ऑलरेडी स्टार्टेड हैविंग इट. ऐसे ही ग्लास डाले नहीं ना, चम्मच से सही है. पूरे डाल लिया हूँ. How it is? कैसा लगा रिंकू? अच्छा है. तो अब ये जा रहा है, ये पूरी पेट में जाने वाली है रिंकू के.